मैं संविधान हूँ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें समान अधिकार देकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने की पहल प्राचीन काल से ही भारत की सुधारवादी परंपरा का हिस्सा रही है। आज स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन जरा सोचिए उस कालखंड को जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर सांस लेने के लिए भी इजाजत की जरूरत थी। ऐसे में महिलाओं की भलाई स्थिति क्या रही होगी, समाज और राजनीति में उनकी भागीदारी कितनी रही होगी, कितना मुश्किल रहा होगा उन्हें चार दीवारी से बाहर निकालना और आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करना। मगर असंभव से लगने वाले इस काम का बीड़ा उठाया सुचेता कृपलानी ने। सुचेता कृपलानी जिन्हें हम सब भारत निर्माण की दिशा में एक अमिट और दमदार हस्ताक्षर के तौर पर याद करते हैं। अगस्त 1947 की वो सुरमई रात जब दुनिया सो रही थी और भारत अपनी संपूर्ण चेतना के साथ आंखें खोल अपनी नियति को निहार रहा था। नियति एक समृद्ध भारत की, नियति एक शांतिमय भारत की, नियति एक लोकतांत्रिक भारत की। इस मौके पर नियति के इस संकल्प को गुनगुनाया मेरी निर्माता सुचेता कृपलानी ने। ये स्पष्ट घोषणा थी भविष्य के भारत की और संकल्प था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने संदेश को विश्व पटल पर रखा जब वो 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिनिधि चुनी गई। इससे पहले संविधान सभा के सदस्य के तौर पर सुचेता कृपलानी ने अपना काम बखूबी किया। उपसमिति की सदस्य के तौर पर इन्होंने संविधान के लिए चार्टर तैयार किया। सुचेता कृपलानी के योगदान को महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी याद किया जाता है। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग बनाकर आजादी की लड़ाई के लिए आधी आबादी को एकजुट किया, साथ ही खुद को एक बेहतर राजनीतिज्ञ के तौर पर पेश किया। देश की आजादी के बाद 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीता। हालांकि 1957 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और नेहरू सरकार में राज्य मंत्री बनी। 1965 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1963 में चुनाव जीतकर ये आजाद भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1967 में गोंडा से जीत हासिल कर संसद पहुंची। निसंदेह सुचेता कृपलानी एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी और बेहद कुशल राजनीतिज्ञ थी। सुचेता कृपलानी मेरे उन निर्माताओं में से एक थी जिसने अपनी पहचान एक कुशल शासक